आपको बता दें नूह से ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर शव मिलने से सनसनी फैल गई है और दिल्ली अलवर रोड पर एक शव बरामद किया गया है, जिसको लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। शव को कब्जे में लेकर हालांकि पुलिस जांच में जुट चुकी है, पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन शव मिलने के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, दहशत का माहौल, डरे सहमे हुए हैं लोग। दिल्ली अलवर रोड पर ये शव मिला है, पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है, कब्जे में लेकर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया जाएगा। नूह से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली अलवर रोड पर शव मिला है, पुलिस ने शव बरामद किया, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में भी जुट चुकी है। लगातार आपको ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। यूनुस अलवी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यूनुस, आपसे जानना चाहेंगे, शव बरामद हुआ है, इलाके में सनसनी का माहौल है, दहशत में है लोग, पुलिस हालांकि शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुट गई है, क्या कुछ जांच में पता चल पाया है, पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, अभी क्या सुबह करीब 10-10:30 बजे के करीब गांव आखेड़ा है, नूह से करीब 10 किलोमीटर जो है दक्षिण की तरफ गांव है आखेड़ा, और दिल्ली अलवर रोड है, इसे नजदीक एक छोड़ा पानी भरा हुआ था, वहां पर एक 45-50 साल के करीब एक आदमी था, और फिलहाल जो पहचान की गई है वो किसी मुस्लिम नजर आ रहा है। फिलहाल कपड़े खाली उस पर पूरे नहीं थे, कुछ थोड़ी चोटों के निशान है, लेकिन अभी पहचान नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने उसको कब्जे में लेकर पहचान के लिए रखा है, और उसके बाद पहचान नहीं होगी तो पोस्टमार्टम कराकर जो है उसकी जो है डेड बॉडी को जो है अपना दिया जाएगा। फिलहाल लेकिन अभी पहचान नहीं है, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है, शिनाख्त कर रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर नूह से आप तक पहुंचा रहे हैं, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट चुकी है।